वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। आज अपने बात करेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज के पार्ट टू के बारे में। फर्स्ट के बारे में अपने बात कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अपनी जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए एक मैथ्स की प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हो, तो उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और पहले तीन वीडियोज़ जो है वो एकदम बेसिक वाले हैं, जहाँ से आपकी मैथ्स स्टार्ट होती है। अगर किसी की मैथ्स ज़्यादा ही वीक है तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए, वहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में अपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि परसेंटेज के नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या परसेंटेज का बेस यहीं से अपना स्टार्ट होता है। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, आपका जहां पे करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है, तो उसके लिए जो अफेयर क्लाउड्स के पीडीएफ है वो आप परचेज कर सकते हो। वहां पे 90% क्वेश्चन कवर होते हैं एग्जाम के अंदर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करोगे तो ₹30 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब चलिए अपने डिस्कशन करते हैं। ये वाला अपने लास्ट पार्ट में डिस्कशन कर चुके हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन क्या होता है। और ये जो फ्रैक्शन कन्वर्जन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है परसेंटेज के टॉपिक में। यानी यहाँ पे अगर अपने को बोल दिया जाए कि 33.5 से 1/3% का मतलब क्या है, तो 1/3। यहाँ पे अपने को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो, जैसे 12.5% कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब क्या है, और अगर कहीं पे 1/16 लिखा है तो उसका मतलब क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है और आने वाले टाइम में आपको भी काम आएगी। तो नेक्स्ट देखिए, अपने बात करते हैं परसेंटेज के बेसिक पे कि ए बी का कितना प्रतिशत है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, यानी ए किसका, बी का कितना प्रतिशत है। अगर ऐसा पूछा जाए तो अपने क्या करेंगे, ए बटे बी इंटू 100। ए बी का कितना प्रतिशत है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, ए बटे बी इंटू 100। यानी जो पूछा जा रहा है, कौन पूछा जा रहा है, ए पूछा जा रहा है। और बेस वैल्यू क्या आएगा, यानी बेस में क्या आएगा, जिसका परसेंटेज जिसके ऊपर है, यानी ए जो वो बी के ऊपर कितना प्रतिशत है, ये अपने से पूछा जा रहा है। यानी ए जो वो बी का कितना प्रतिशत है, तो बी आएगा अपने बेस वैल्यू में, ए आएगा ऊपर, और इंटू करेंगे 100। अगर यहीं पर अपने से पूछा जाए कि बी ए का कितना प्रतिशत है, अब अगर बी ए का कितना प्रतिशत है ये अपने से पूछा जाए, तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, बी को ऊपर रख देंगे और ए को नीचे रख देंगे, तो बी बटे ए इंटू 100। यानी बेस वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है ये अपने से पूछा है, तो बी बटे ए इंटू 100। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जाए कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो उसमें क्या करेंगे कि ए और बी का डिफरेंस लेंगे, ए और बी का डिफरेंस लेंगे, और बेस वैल्यू अपनी क्या है, बी। यानी ए का पूछा जा रहा है, बी पे पूछा क्या जा रहा है, कितना प्रतिशत तो पूछा जा रहा है, साथ में क्या वर्ड लगा हुआ है, अधिक है। यानी कितना प्रतिशत तो पूछा होता तो अपने सीधा ए बटे बी इंटू 100 कर देते। अब अपने से पूछ रहा है कि कितना परसेंट मोर है, कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट अधिक है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ए और बी का डिफरेंस लेते हैं, तो ए माइनस बी बटे बी इंटू 100। यानी बेस वैल्यू तो अपने बी है, यानी बी पे ए का परसेंट पूछ रहा है, पर डिफरेंस क्यों लेना है, क्योंकि बी और ए का जो है वो अपने को डिफरेंस इसलिए लेना है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत अधिक है तो पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि संख्या में कितना अधिक है, ठीक है। तो ये अपने को इस तरह से ये फॉर्मूला अपने लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे अपने से पूछा जाए कि बी ए से कितना कम है, ध्यान से सुनिए, बी ए से कितना कम है, तो अभी यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बी कम होगा किससे, ए से, तो अपने को डिफरेंस तो लेना ही होगा वहाँ पे, तो डिफरेंस वहीं पे अपने लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये अपने को बताना है। अब पहले मैं इसको 100 मान के आपको बता रहा हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर बेसिक से आपको बताना है ये क्वेश्चन तो हम बेसिक से भी आपको बता देंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए अगर ये बेसिक में आपको चाहिए, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो अभी मैं आपको 100 से बता रहा हूँ, उसके बाद आपसे ट्रिक बताऊँगा। देखिए ए और बी मैंने यहाँ पे मान ला, और ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, तो ए अगर बी अगर 100 है तो ए कितना होगा, 25 ज़्यादा होगा, तो 125 होगा, ठीक है, दोनों के बारे में कन्फर्म हो गया अपने को। अब आगे अपने से क्यों पूछा, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम पूछा है, तो बी की आय कितनी कम है, बी की आय तो 25 कम है,
पूछा क्या अपने से कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, किसकी आय से, ए की आय से। देखिए बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए है, यानी किसकी आय से, ए की आय से, तो कम कितना है 25, और किसकी आय से, ए की आय से, तो बटे में क्या आएगा 125, क्योंकि ए की आय 125 है, और इंटू आएगा अपना 100। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो 25 से 5 बार जाएगा, और इसको करेंगे 5 से तो ये अपने से जाएगा 20 बार, तो 20%। तो बी की आय क्या है, ए से 20% कम है। ये तो अपना 100 मान के मेथड हो गया अपना। अगर अपने 100 नहीं माने और बहुत जल्दी करना चाहते हैं, विद इन सेकेंड अपने इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे। अगर वो आपको याद होगी तो किस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मानिए कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, और 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4, यानी 1/4 होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे पूछा आपने से क्या कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय यहाँ पे 4 हो जाएगी, और ये अपना जो होता है वेस्ट वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर वाली क्या होती है, जो चेंज वैल्यू होती है, यानी ए की आय जो वो कितनी है, अधिक है, तो कितनी अधिक है, एक अधिक है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये जब आपको समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन की बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये विद इन सेकंड आप क्वेश्चन करोगे इसी तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने 4 को माना है बी की आय, और ए की आय माना है 5। अब अपने से पूछे कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो कम कितना है, एक कम है मेरे को पता है, तो एक यहाँ पे रख दूंगा। किसकी आय से कम है, ए की आय से, तो ए की आय कितनी है, 5/5 इंटू 100 कर देंगे, तो 20%। देखिए विद इन सेकंड अपने आंसर निकाल सकते हैं, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करोगे, आप ये हमारे सेशन देखो, तो आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और ये चीज़ें देखिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकंड सीधा ही कर सकते हो कि यहाँ पे इसकी 4 है, इसकी 5 है, एक ज़्यादा है, किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, तो 1/5 × 100 यानी 20%। अगर इसका बेसिक चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले इसका बेसिक समझा देंगे, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दिया गया तो उसे कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह अपने मूल स्तर पर पहुंच जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दिया गया, तो वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाया गया, तो अपने को पता है कि 25% बढ़ाता है तो कितना बढ़ाता है। यदि 100 था पहले तो 25 बढ़ाएगा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी वो अपने से क्या पूछ रहा है कि उसे कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह अपने मूल स्तर पर पहुंच जाए। अब पहले भी 100 था और अब भी 100 है, तो बड़ा कितना था, 25 बड़ा था, पहले भी 100 था और अब इसको वो बोल रहा है कि इसको मूल स्तर पर वापस लेके आए, यानी अब भी 100 पे लेके आने अपने को वापस, तो बड़ा हुआ कितना है, 25 बड़ा हुआ है, तो 25 यहाँ पे लिख देते हैं। अब बेस में क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट रहता है। अपने से क्या पूछा कि एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दिया गया, अब 25% बढ़ा दिया तो अब जो मूल्य वो अपना कितना है, 125, पहले कितना था 100, अब वो बोल रहा है कि अपने को 100 पे वापस लेके आना है। अब कहाँ से वापस लेके आएंगे, 125 से, तो 125 पे 100 पे वापस लेके आएंगे तो कम कितना करना होगा, 25 करना होगा, और कहाँ पे करना होगा, वेस्ट वैल्यू क्या होगी, वेस्ट वैल्यू होगी 125, क्योंकि 125 से कम कर रहे हैं ना कि 100 से करें, 100 पे तो लेके आ रहे हैं उसको, पहले अपने उन्होंने 100 से बढ़ाया था तो 125 कर दिया, अब 125 से कम कर रहे हैं तो 25/125 इंटू 100 अपना 20% आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो वही होगा, 1/4, 4 से 5 हुआ, 1/5, 20% अपना कम हो गया। नेक्स्ट देखिए, किसी छात्र को 800 अंक वाली परीक्षा में 500 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। देखिए किसी छात्र को 800 अंक वाली परीक्षा में, यानी टोटल क्या परीक्षा का 800 है, और कोई छात्र है उसको कितना अंक मिल रहा है, उसको मिल रहा है 500 अंक, तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हो रहा है। तो ये देखिए प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ऊपर में क्या रखा जाए, नीचे में क्या रखा जाए, वटा में क्या रखा जाए, तो ये आप ध्यान से समझिए। अपने को बताना क्या है कि 800 में से बताना है 500 कितना प्रतिशत है, वही बात है, ए बी से कितना प्रतिशत है, तो बी से ए कितना है वही चीज़ बतानी है। अब 800 से 500 कितना प्रतिशत है वो अपने को बताना है यहाँ पे। तो वेस्ट वैल्यू क्या होगी, वेस्ट वैल्यू होगी 800, तो बटा में 800 रख देंगे। अब पूछा क्या है कि 500 अंक उसको प्राप्त हो रहे हैं 800 में से, तो 500 ऊपर रख देंगे, इंटू में 100 कर देंगे। अब देखिए दो बिंदी से दो बिंदी ऐसे कट जाएगी, अब 500/8 अपने पास आ गया। अब इसको अगर अपने सोल्व कर दें फर्दर, तो 8 से अपने इसको काटेंगे तो 8 × 6 = 48, यहाँ पे 20 रह गया अपने पास, 2 बच गया, 8 × 2 = 16, 2 आ गया अपने, 8 × 5 = 40, यानी 62.5% जो है वो अंक उसे प्राप्त हुए, यानी टोटल 800 थे उसको 500 अंक प्राप्त हुए, जो कि कितने प्रतिशत है, 62.5% अंक उसे परीक्षा के अंदर प्राप्त हुए।
इसी तरह से आपको निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि 800 को ऊपर रख देते हैं, 500 को नीचे रख देते हैं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अब से ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर कोई भी और भी आपका डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका इंडिविजुअली रिप्लाई किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते रहते हैं और क्वेश्चन भी मिलते हैं PDFs वगैरह। नेक्स्ट देखिए, यदि शाम का वेतन 400 से बढ़ाकर, शाम का वेतन 400 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया, यानी पहले 400 था और अब कितना हो गया, यानी पहले कितना था 400 था और अब कितना हो गया वेतन, अब हो गया 500 वेतन। यदि श्याम का वेतन 400 से बढ़ाकर 500 कर दिया तो बताइए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी इंक्रीमेंट हुआ है जो वेतन के अंदर वो कितना हुआ है। ये जो वेतन वगैरह के इंक्रीमेंट होते हैं ये आपने बहुत सारे देखे हैं कि 20% वेतन इंक्रीमेंट हो गया, 30% हो गया, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे कि 400 से बढ़ाकर उसको 500 रुपये दे रहा है। अब रुपये के अंदर तो अपने को पता है कि कितने दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है। रुपए के अंदर अपने को पता लगे कि 100 रुपए दे रहा है, पहले 400 दे रहा था अब 500 दे रहा है। अब इसने पूछ लिया अपने से कि परसेंट में कितना दे रहा है, तो परसेंट में कैसे बताएंगे, वही चीज कि बड़ा कहां से है, बेस वैल्यू क्या है अपनी, बेस वैल्यू 400 है या 500 है, तो बड़ा किस पे, 400 पे बड़ा है तो बेस वैल्यू 400 रहेगी, अगर 500 पे बड़ा होता तो 500 रहेगी। अगर ये बोला होता कि शाम का वेतन 500 से 400 हो रहा है यानी कम हो रहा है तो बेस वैल्यू 500 होती। अब अपने को बोला कि 400 से बड़ा है तो बेस वैल्यू 400 हो जाएगी, बेस वैल्यू अपनी 400 होगी, बड़ा कितना है 100 बड़ा है, इनटू में 100 आ जाएगा। तो ये अपना यहाँ से दो बिंदी काट देंगे और 25 को और चार बार काटेंगे तो अपने 100 आ जाएगा, तो 25% जो उसका वेतन बढ़ गया, यानी 400 से अगर उसका 500 वेतन हुआ है तो 100 रुपये बढ़ा है रुपये में, तो अगर परसेंट में पूछा जाए तो 25% बढ़ गया, यानी बेस वैल्यू 400 रहेगी अपनी, तो 100 बटे 400 इंटू 100। नेक्स्ट देखते हैं, किसी छात्र को 800 अंक वाली परीक्षा में 60% अंक प्राप्त हुए तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए 800 अंक वाली परीक्षा है उसमें 60% अंक उसको प्राप्त हुए, तो कितने अंक उसको प्राप्त हुए। देखिए 800 का 60% निकालेंगे तो 800 इंटू 60 बटे 100, तो 8 से 48, 480 अंक उसको प्राप्त हुए। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है कि उसको 800 अंक वाली परीक्षा में 60% अंक प्राप्त हुए तो अपने बता सकते हैं कि 800 का 60% 480 होता है। अगर ये क्वेश्चन अपने से उल्टा पूछ लिया जाता कि एक छात्र को 800 अंक वाली परीक्षा में 480 अंक प्राप्त हुए तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तब अपने कैसे करेंगे कि 480 अंक प्राप्त हुए कितने में से, 800 में से, तो 480 अगर अपने को प्राप्त हुए हैं 800 में से, तो डिवाइड कर देंगे 800 से और इंटू कर देंगे 100 से। तो देखिए यहाँ पे ये अपनी दो बंदी यहाँ से काट देंगे, 8 से 48, 60% अपने आ गई। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर परसेंट दे रखा है, अगर अपने को नंबर दे रखा है, तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ये आपका बेसिक था, ये आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में अपने बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम के अंदर, चाहे बैंक, SSC, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे डिस्कशन। तो जरूर देखिए, दो वीडियोज आ चुके हैं परसेंटेज के, दोनों को ध्यान से देखिए और पहले जो अपने बेसिक वीडियोज आए हैं वो भी देखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे जो कि मैथ्स से संबंधित आपके आज तक किसी ने डाउट क्लियर नहीं करवाए होंगे, वो डाउट आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिए और आपको करंट अफेयर्स के लिए किसी भी तरह की कोई भी PDFs भेजिए, मंथली वीकली PDFs आपको मिलेगी। अफेयर क्लाउड्स पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो और बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करके आपको 30 रुपये का डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।